नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन गडकरी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर जीवन और चिकित्सा बीमा योजनाओं के प्रीमियम पर लगाए गए GST को वापस लेने का अनुरोध किया है। गडकरी के इस बयान से भाजपा हैरान है। गडकरी का ये पत्र ऐसे समय सामने आया है जब केंद्रीय बजट 2024 की चौतरफा तीखी आलोचना हो रही है। आम लोगों से लेकर उद्योग जगत तक ने इस बजट को लेकर कोई उत्साह नहीं दिखाया है। ऐसे में गडकरी की मांग एक तरह की आलोचना ही मानी जाएगी। कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले CPP की बैठक में पार्टी नेताओं से कहा कि हमें आत्मसंतुष्ट और आत्मविश्वासी नहीं बनना है, माहौल हमारे पक्ष में है, हमें एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें लगता था कि मोदी सरकार लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेगी, लेकिन वो आज भी समुदायों को विभाजित करने, भय और शत्रुता का माहौल बनाने की अपनी नीति पर कायम है। इस दौरान उन्होंने RSS पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि RSS खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है, लेकिन पूरी दुनिया जानती है कि वो BJP का राजनीतिक और वैचारिक आधार है। लोकसभा में मंगलवार को BJP सांसद अनुराग ठाकुर के जाति पर दिए गए बयान की चर्चा आज भी जारी है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने संसद के बाहर बुधवार को कहा कि जाति का सवाल कोई नया नहीं है और इसका सवाल बहुत पुराना है। एक समय UP के सदन में ऐसा आया था जहां शूद्र को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। मैं जब मंदिर के दर्शन करने गया तो कुछ ऐसी ताकतें थीं जो नहीं चाहती थीं कि मैं हवन पूजन करूं। उन्होंने कहा कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूं जिस दिन मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया था। किसी मुख्यमंत्री के घर को गंगा जल से कैसे साफ किया जा सकता है? लोकसभा चुनाव में मैंने मैनपुरी में देखा था कि प्रतिमा को धोया गया था। कन्नौज के जिस मंदिर में मैं पहली बार चुनाव जीत कर गया था, वहां से लौटने के बाद उस मंदिर को धोया गया था। जब आप चंद्रमा पर जाना चाहते हैं, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है, विश्व गुरु अमृतकाल की बात हो रही है, वहां आप गंगा जल की बात कर रहे हैं? क्या BJP कांग्रेस पार्टी के किसी नेता या किसी भी व्यक्ति की जाति पूछ सकती है? मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर जी को कहा गया है कि सदन में 99 बार गाली खाकर आओ, तब आप मंत्री बनोगे। मंगलवार को लोकसभा में अनुराग ठाकुर के बयान के बाद अखिलेश यादव भी बोले थे और उन्होंने विरोध करते हुए अनुराग ठाकुर से कहा था कि वो जाति कैसे पूछ सकते हैं। संसद में इन दोनों मानसून सत्र चल रहा है। इस बीच राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने एक सवाल के जवाब में खुद के जाट होने पर गर्व जताया। उन्होंने कहा कि वो जाट हैं और उन्हें अपनी जाति पर गर्व है। जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को केंद्रीय बजट पर चर्चा के दौरान सदन के एक सदस्य के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो जाट हैं और उन्हें अपनी जाति पर गर्व है। धनखड़ ने कहा कि जाट केंद्र और राजस्थान सरकार की सूची में OBC के अंतर्गत आते हैं और वो उस समिति का हिस्सा थे जिसने समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन का नेतृत्व किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने 56 मदरसों पर एक्शन लिया है। कथित फर्जीवाड़े के आरोप में राज्य में एक ही जिले के करीब 5 दर्जन मदरसों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। RSS के मुखपत्र पांचजन्य ने सरकार की कार्रवाई पर हर्ष जताया है। प्रदेश के श्योपुर जिले में कुल 80 में से 56 मदरसों को बंद करने का फरमान जारी किया गया है। श्योपुर जिले के शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर की रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश सरकार बोर्ड ने इन मदरसों की मान्यता समाप्त करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दबाव के भ्रामक विज्ञापन पर मंगलवार को कड़ा रुख अपनाया। शीर्ष अदालत ने इसे गंभीरता से लेते हुए कहा कि केंद्रीय आयुष मंत्रालय को भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए अपनी वेबसाइट पर एक डैशबोर्ड बनाना चाहिए। जस्टिस हिमा कोहली और संदीप मेहता की पीठ ने यह भी कहा कि विज्ञापनों की मीडिया में जारी करने से पहले उसकी उचित स्वीकृति अनिवार्य की जानी चाहिए। पीठ ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के भ्रामक विज्ञापनों से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान ये निर्देश दिया। दिल्ली में IAS कोचिंग हादसे को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली नगर निगम यानी MCD को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने सवाल किया कि उपनियमों के उदारीकरण के बावजूद सदियों पुराने बुनियादी ढांचे को सही क्यों नहीं किया गया। दिल्ली हाई कोर्ट ने आगे सवाल किया कि बेसमेंट में पानी कैसे घुस गया। इस बात पर जोर देते हुए कि बुनियादी ढांचे को पर्याप्त रूप से सही क्यों नहीं किया गया था, कोर्ट ने नागरिक अधिकारियों की आलोचना करते हुए कहा कि मुझे ये कहते हुए खेद है कि नागरिक अधिकारी दिवालिया हो चुके हैं। दृष्टि IAS कोचिंग के संस्थापक और शिक्षक विकास दिव्यकीर्ति ने राजेंद्र नगर में हुए हादसे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा है कि ये कह सकते हैं कि हमसे चूक हुई है, लेकिन वो चूक ऐसी नहीं थी कि हमारी नीयत खराब थी।
बता दें दिल्ली के राजेंद्र नगर स्थित एक कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में शनिवार शाम को पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसके बाद छात्र दृष्टि आईएएस कोचिंग और उसके संस्थापक विकास देवीकीर्ति के घर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इसको लेकर मुहिम भी चलाई जा रही थी। दृष्टि आईएएस कोचिंग के संस्थापक विकास देवीकीर्ति ने एएनआई से बात करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा है कि हमसे चूक हुई है, लेकिन ये चूक ऐसी नहीं थी कि हमारी नीयत खराब थी, लेकिन नियमों के स्तर पर हमसे चूक हुई है। उन्होंने कहा कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 1000 से ज्यादा कोचिंग संस्थान हैं। किसी भी एक कोचिंग संस्थान के पास शिक्षण संस्थाओं के लिए जारी की जाने वाली फायर एनओसी नहीं है। उन्होंने कहा है कि जहाँ तक बात हमारे बेसमेंट की है, करोल बाग स्थित हमारी 4-5 बिल्डिंगों में से एक इमारत का बेसमेंट सील हुआ है। उन्होंने कहा है कि करोल बाग स्थित हमारे बेसमेंट को लेकर हमारे पास कमर्शियल अनुमति है। एनओसी में लिखा हुआ है कि उसमें ऑफिस चलाया जा सकता है और उसमें ऑफिस ही चलाया जा रहा था। हालांकि लोग अभी भी उनकी बातों से खुश नहीं हैं। यूपीएससी के नए चेयरमैन की जिम्मेदारी आईएएस अफसर प्रीति सूदन को दी गई है। प्रीति सूदन 1983 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और वे जिम्मेदारी को 1 अगस्त 2024 से संभालेंगे। भारत के कार्मिक मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बताया है कि 4 जुलाई को तत्कालीन चेयरमैन मनोज सोनी ने राष्ट्रपति मुर्मू को इस्तीफा सौंपा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा सौंप दिया था। वायनाड में सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात हुए भूस्खलन में अब तक 144 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारी ने बताया कि अब तक मेपड़ी में 90 लोगों और नीलांबुर में 32 लोगों की मौत हो चुकी है। घायल हुए 192 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से प्रभावित हुए क्षेत्रों में बचाव दल के न पहुंच जाने के कारण लापता लोगों की संख्या 98 बनी हुई है। फलस्तीन में इसराइल कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रहे लड़ाका समूह हमास और ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अलग अलग बयानों में कहा कि बुधवार को ईरान में हत्या कर दी गई। हमास ने हानिएह की शहादत पर शोक जताया। हमास ने कहा कि तेहरान में संगठन प्रमुख की आवाज पर एक विश्वासघाती जायोनी हमला हुआ जिसमें वो मारे गए। हानिएह मंगलवार को सार्वजनिक रूप से ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे। इजराइल का कहना है कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाके में किए गए एक हमले में चरमपंथी संगठन हिजबुल्ला के टॉप कमांडर को मार दिया है। लेबनान के सशस्त्र बलों के गढ़ दहिया में किए गए हमले में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हुई है और कई लोग जख्मी हुए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि खुफिया सूचना के आधार पर हिजबुल्ला के शीर्ष कमांडर फौज शुक्र को निशाना बनाकर फाइटर जेट से हमला किया गया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।